तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आई है जो कि अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर है। और अचानक भारत ने मीटिंग से पहले ही अपनी मिसाइल परीक्षण को पोस्टपोन कर दिया है। दरअसल दोस्तों आप सभी को मालूम है हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर 22 से 24 मई के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहा है। साथ ही भारत की इस मीटिंग का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। और जब पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे तब आपको याद होगा कि उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि अगर भारत ने G20 की मीटिंग कश्मीर में कराई तो हम भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। परंतु पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारते हुए भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से इस बयान के कुछ समय पश्चात ही एक नोटा वार्निंग जारी करी गई थी ये बंगाल के अंदर, जो कि 18 से 19 मई की थी, जिसमें भारत अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था। परंतु आज का आप नाम देख सकते हो जिसमें यह परीक्षण था वो भारत ने अब आगे बढ़ा दिया है और अब इस परीक्षण की डेट 7 से 8 जून हो गई है। और यह खबर जानने के बाद में कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भारत ने आखिरकार इस परीक्षण को आगे क्यों बढ़ाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला तो भारत के DRDO ने इस मिसाइल के अंदर कुछ अन्य टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहता हो जो कि अभी नहीं जुड़ पाई हो, जिसके लिए इसकी डेट को आगे बढ़ाया गया हो। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि भारत के अंदर G20 जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि भारत आएंगे। और इस मीटिंग से पहले यदि भारत किसी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का यदि परीक्षण करता है तो इससे हमारी G20 मीटिंग पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया भर के अंदर एक शांतिप्रिय रूप में जाना जाता है और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग से पहले मिसाइल परीक्षण करना भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप सभी को क्या लगता है और भारत ने जो मिसाइल परीक्षण की डेट आगे बढ़ाई है इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।